इतनी योजनाएं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की हैं, उनके लाभार्थी मिलकर के धन्यवाद कर रहे हैं। इतने समझदार आदमी को ऐसा बयान देना उचित नहीं है, ये बहुत निंदनीय है। मीडिया के सामने आके ये बयान देते हैं कि ये तो हमारी आम भाषा है, हम गांव में जाते हैं तो इससे हमारा कल्चर होता है। नहीं, अब कुछ लोग हैं जो कांग्रेस में जो शामिल हो रहे हैं, कुछ नाम आ रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी नाम आ रहा है, कुछ लोग उसमें आप किस तरीके देखते हैं? देश को इतनी गति से प्रधानमंत्री चला रहे हैं, कोई देश को इतनी गति से चला नहीं सकता। लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा जी मेरे साथ हैं, उनसे बात करें। अरविंद शर्मा जी, आप गांव-गांव में जा रहे हो, दौरा कर रहे हो, किस तरीके के लोगों की समस्या सुन रहे हैं? देखिए, एक आम जनसंवाद कार्यक्रम है, हरेक असेंबली सेगमेंट में, हरेक असेंबली में जाकर के लोगों की समस्याएं सुननी है, लोगों से समस्याएं क्या, लोगों से बातचीत करनी है। और आप देखें, मैं जा रहा हूँ लोगों की समस्याएं सुनने, लेकिन लोग आ रहे हैं, लोग धन्यवाद करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने कि इतनी योजनाएं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की हैं, उनके लाभार्थी मिलकर के धन्यवाद कर रहे हैं। और दूसरा, छोटी छोटी समस्याएं जो बता रहे हैं, प्रशासन साथ में है, उनका समाधान हो रहा है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका लाभ पूरे इलाके को, इन संवाद कार्यक्रम का लाभ मिलता है, लोगों का विश्वास भी बढ़ता है, और लोगों के विश्वास के साथ साथ लोगों को ये पता भी लगता है कि सरकार आपके घर के सामने आकर के आपसे पूछ रही है कि भाई क्या क्या सिस्टम, आपके सेवक आपके सामने आकर के आपसे बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान आता है उसके बाद में किस तरीके कहते हैं आप, जो बयान दिया हमको? क्या कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया उसको आप किस तरीके? नहीं, देखो ना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के ही नहीं पूरे विश्व के नेता हैं, और विश्व के बहुत ही चहेते और बहुत ही पॉपुलर नेता हैं। आपने G20 में भी देखा कि किस तरह से पूरे विश्व ने, G20 का नाम था लेकिन पूरे विश्व ने किस तरह से उनका स्वागत किया, और देश कहने लगा कि माननीय प्रधानमंत्री भारत के ही नहीं पूरे विश्व के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे नेता का, ऐसे सेवक का ऐसा निंदनीय बयान तो कोई अपने दुश्मन का भी ना दे, मतलब ऐसी घिनौना बयान, उसकी हमें जितनी भी निंदा करें उतनी थोड़ी है, ये कोई मतलब सोची समझी हरकत है और अच्छी बात नहीं है। इतने समझदार आदमी को ऐसा बयान देना उचित नहीं है, ये बहुत निंदनीय है। तो मीडिया के सामने आके ये बयान देते हैं कि ये तो हमारी आम भाषा है, हम गाँव में जाते हैं तो इससे हमारा कल्चर होता है, इस तरीके से भाषा आप समझे नहीं। गाँव की भाषा तो बहुत प्यारी भाषा है, गाँव की भाषा, हम भी गाँव में जाते हैं, हम भी देहाती बोलते हैं, लेकिन बहुत प्यारी भाषा है, उसमें प्यार के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन भाषा को इस तरह से यूज करना, इस तरह से किसी के ऊपर कटाक्ष करना, और वो भी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को इस तरह की बातें करना, ये घोर निंदनीय है। दूसरा सर, जिस तरीके देख रहे हैं, अब कुछ लोग हैं जो कांग्रेस में जो शामिल हो रहे हैं, कुछ नाम आ रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी नाम आ रहा है, कुछ लोग उसमें आप किस तरीके देखते हैं? देखिए, ऐसा है, सबकी अपनी अपनी सोच है इस बारे में, अपना अपना विचार है, अपनी अपनी फैसले हैं, उसमें मैं इसमें क्या कह सकता, अपने अपने फैसले हैं, अपने अपने विचारधारा है। लेकिन देश को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है, माननीय प्रधानमंत्री की, क्योंकि देश को इतनी गति से प्रधानमंत्री चला रहे हैं, कोई देश को इतनी गति से चला नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2047 का भारत, यानी कि 100 साल आज़ादी के होंगे तो देश कितना आत्मनिर्भर होगा, और मोदी जी का सपना है कि देश हर एक फील्ड में देश आत्मनिर्भर हो, उस सपने के साथ मोदी जी देश को कितनी स्पीड से विकास के रास्ते पर चला रहे हैं, और हर एक कैटेगरी, किसान हो, खेती और मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, नौजवान, कर्मचारी, शहीद, स्वतंत्रता सेनानी, फौजी भाई, आप किसी भी तबके, खिलाड़ियों को देख लो, बुजुर्गों को, महिलाओं को, कोई तबका, व्यापारी, छोटा बड़ा, सबको अगर आप देखेंगे तो मोदी जी हर एक का ध्यान रखते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 2024 में किस तरीके देखते हैं आप? 2024 मोदी जी, चारों तरफ मोदी जी है, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी, चारों तरफ कमल है, और कुछ है ही नहीं। ये थे मिसाल अरविंद जी थे जो आगे 2024 बीजेपी सरकार बनती नजर आ रही है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।